दिवाली कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में आप सभी ने तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है और इस बार ये बेहद खास है क्योंकि साल 2024 में ये त्योहार दो दिनों तक मनाया जाएगा। देश के कई हिस्सों में 31 अक्टूबर को और कहीं 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और तभी से दीपावली की ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के कुछ नियम हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। पूरी जानकारी के लिए हमने अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम से बात की है। दिवाली से पहले ऐसे क्या काम करने चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बार की दीपावली कई कारणों से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार दो दो दीपावली के पर्व सनातन समाज को मिल रहे हैं। तो इस दीपावली में भगवती लक्ष्मी की उपासना विधि विधान से करें, किंतु घर से इन बेकार हो चुकी वस्तुओं को निकाल दें। पंडित कल्किराम बताते हैं कि दिवाली से पहले आपको कुछ खास काम करने चाहिए, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना। दीपावली से पहले घर की साफ सफाई बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वास साफ सुथरे स्थान पर होता है। आपको टूटी चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। घर में रखी खंडित मूर्तियों का विसर्जन कर दें, साथ ही फटे या पुराने जूते चप्पलों को भी दिवाली से पहले साफ सफाई करते समय घर से बाहर निकाल दें। इस बारे में पंडित कल्किराम और क्या बताते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम आप भगवती लक्ष्मी स्वच्छता जहाँ होती है वहीं आती हैं, जहाँ प्रेम बरसता वहीं आती हैं। तो आप अपने घर में टूटे फूटे बर्तन, इलेक्ट्रिक सामान, पुराना झाड़ू, पुराना सूप और फटे कपड़े, इन सब चीज़ों को निकाल के अपने घर से बाहर डाल दें। किसी को दान में न दें, दान में न दें, क्योंकि दान में बेकार वस्तुएं दान में नहीं की जाती हैं। इससे आपको फल नहीं मिलेगा और आप पाप के भागी हो जाएंगे। घर को स्वच्छ रखें और घर को स्वच्छ रखें। ये जो घर में जो टूटे फूटे कटे फटे कपड़े हैं या चद्दर है, इनको आप अपने घर से निकाल दें। घर अच्छे से सफाई कराएं, पुताई करें, फिर दीपावली का पर्व मनाएं। इन आसान उपायों के जरिए आप ना केवल अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी को भी फैला सकते हैं। इस दीपावली अपने घर को माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार करें और नए साल में समृद्धि की शुरुआत करें। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।